वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय जॉय गिलफोर्ड। तो ये जो थ्योरी है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंट की थ्योरी में से एक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं। तो जो जॉय पॉल गिलफोर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे बच्चों की जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशली जो उनके इंटेलिजेंस रिलेटेड एबिलिटीज़ होते हैं उसमें डिफरेंसेस क्यों आते हैं। आप ये मान के चलो कि उनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था कि यार एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ ले रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ ले रहा है, वहीं एट द सेम टाइम उसी की उम्र का जो दूसरा बच्चा है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लैग बिहाइंड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को नोटिस करा था अपने भाई के एप्टीट्यूड और अपने एप्टीट्यूड में। तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टेड हुए इस टॉपिक को उठाने में, एंड उनका एक मोटिव था, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक मोनोलिथिक हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज़ वो कोई सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को कंप्राइज करते हैं, दैट इज़ बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ मिलके इंटेलिजेंस को बनाते हैं। ठीक है, नाउ 1950s के टाइम पे गिलफोर्ड ने अपना काम करना स्टार्ट करा एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का जो मॉडल है वो डिस्कवर किया, एंड बाय 1955 उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस मॉडल को पेश किया, एंड उसके बाद से ही इस मॉडल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। कई बार उन्होंने कुछ एबिलिटीज़ को ऐड करते चले गए, ठीक है, एंड उनका मानना ये था कि जिस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल होती है उसको हम केमिकल एलिमेंट्स के हेल्प से मतलब उसमें केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही वो एक टेबल का फॉर्मेट बनाना चाहते थे जिसमें हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो प्रेजेंट हो। ठीक है, नाउ उन्होंने बताया जो प्रेजेंटली यूज़ होता है मॉडल उसमें 180 एबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे जो ये मॉडल है वो और भी ज़्यादा एप्लीकेबल होता जा रहा है विद द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। इसके अलावा उनका एक और मानना था, वो ये मानते थे कि जैसे जैसे इंसान एजुकेटेड होता जाता है वैसे वैसे ये मॉडल या ये एबिलिटीज़ जो होती हैं ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो उन्होंने एक मोटो बना रखा था, एक सिंबल बना रखा था अपना, विच इज़ इंटेलिजेंस एजुकेशन इज़ इंटेलिजेंट एजुकेशन, दैट इज़ कि आप इंटेलिजेंस के साथ अगर एजुकेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब हम उन एबिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, तो ये एक 3-डायमेंशन चार्ट है जहाँ पे उन्होंने 3 तरीके के बेसिक या हम कह सकते हैं जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए हैं, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एंड कंटेंट्स, एंड इसी के सब पार्ट्स में इसके कुछ कुछ मेजर एबिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है इट कंप्राइज ऑफ वेरियस एबिलिटीज़, जहाँ पे एक 3D फिगर इन्होंने बना के दिखाया जिसमें इन्होंने मेजरली कंटेंट, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को रखा। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने कुछ टेस्ट भी डेवलप करे जो कहीं ना कहीं इन एबिलिटीज़ को चेक करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब कंटेंट से इनका क्या लेना देना है या कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब ये है कि किस तरीके से हर इंसान या अलग अलग लोग जो हैं वो कुछ भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन पे करते हैं, किस तरीके से सेम दिखने वाली इन्फॉर्मेशन दो लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, उनका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कंटेंट का नाम दिया। ठीक है, कंटेंट का मतलब है कि क्या इन्फॉर्मेशन आप बाहर से ले रहे हो। ठीक है, लाइक विजुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, विजुअल में डायरेक्टली जो चीज़ें आप देख के ले रहे हो, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो आप सुन के ले रहे हो, ठीक है, देन सिम्बॉलिक इन्फॉर्मेशन जो आपको सिम्बल्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है या समझ आ रही है, सिमेंटिक मीनिंग का मतलब है कि आप किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उसका सिमेंटिक मीनिंग क्या है, उसके वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ठीक है, उसका लिटरल क्या मीनिंग है, एंड बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा क्या मेंटल स्टेट है या किसी भी इंडिविजुअल का क्या मेंटल स्टेट है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेते टाइम वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसे हम बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट के अंदर के 5 सब पार्ट्स हैं, एंड कई बार यही पेपर में पूछे जाते हैं, इससे डीप आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कंटेंट
हैं या नहीं है, ठीक है। तो विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा वो डायमेंशन है विच इज़ रिलेटेड टू द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हम जिन्हें प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कंटेंट में तो हमने ये देख लिया कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है, अपने विजुअल्स के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू, सिमेंटिक्स के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होती जाती है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट से ही आप समझ जाओ कि किसी एक छोटे यूनिट की बात हो रही है। तो जहाँ पे हम एक छोटा यूनिट परसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट कैन बी अ छोटा सा वर्ड हो सकता है, कोई विजुअल यूनिट, कोई शेप हो सकती है, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर आते हैं क्लासेस। क्लासेस का मतलब है जब हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं यूनिट्स को और एक मीनिंगफुल डेटा बनाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उसका एक मीनिंग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। रिलेशंस का मतलब है कि हमारी एबिलिटी कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप्स बना पा रहे हैं कुछ पेयर्स के बीच में, ठीक है। अगर आपको एक पिक्चर दिखाई और फिर आपको दोबारा दूसरी पिक्चर दिखाई तो उन दोनों के बीच आप क्या रिलेशन बना पा रहे हो या क्या आप एक स्टोरी फॉर्मुलेट कर पा रहे हो, उसको हम रिलेशंस बोलते हैं। सिस्टम्स का मतलब क्या है? सिस्टम्स में हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा यूनिट में जब हमारी रिलेशन बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वहाँ हम सिस्टम बोल देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है हम किस तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे आप कई बार एग्जांपल के साथ समझो कि लोग आपको जोक्स सुनाते हैं, तो जोक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली तो होते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं या तो आप पे मारे जा रहे होते हैं या वो किसी और पे मारे जा रहे होते हैं। तो आप उन जोक्स को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, उन्हें कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट आते हैं हमारे पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस हम सोचते हैं कि ये तो ऐसी थी बट वो एक्चुअल में ऐसी नहीं निकलती, तो वहाँ हम इम्प्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट उन्होंने बात करी ऑपरेशन डायमेंशन के बारे में। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट द ब्रेन डज विद द दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमने बाहर से इन्फॉर्मेशन ले ली, हमने किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ली ये भी हमने बता दिया, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, ठीक है। ऑपरेशन से आपको याद रखना है जहां आपके मेंटल कॉग्निशन की बात हो रही है, मेंटल ऑपरेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां क्या बात होती है कि ब्रेन कैसे प्रोसेसिंग करेगा। सबसे पहले कॉग्निशन आता है विच इज़ द एबिलिटी टू परसीव वेरियस आइटम्स, ठीक है। हमने परसीव कर लिया चीज़ों को, अब हम मेमोरी रिकॉर्डिंग करेंगे, उन चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। फिर हम मेमोरी रिटेंशन करते हैं जहां पे हम कुछ टाइम और पीरियड के लिए उस इन्फॉर्मेशन को रखेंगे, रिटेंट करके रखेंगे। फिर आता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारी एबिलिटी होती है कि हम मेमोरी को एक्सेस कर पाएँ और लार्ज नंबर ऑफ हम आइडियाज़ को एक तरीके से जनरेट कर पाएँ, ठीक है। एंड लास्ट आते हैं कन्वर्जन प्रोडक्शन, जहाँ पे हम एक सिंगल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एंड फाइनली लास्ट में आता है हमारा इवेल्यूएशन, जहाँ पे हम किसी भी दी हुई इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से उसका जजमेंट करते हैं या एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। ये हमारा इवैल्यूएशन आता है। तो ये थी हमारी गिलफर्ड की थ्योरी। एंड इसमें से मैं आपको लिटरली बताऊं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टोटल एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं, तो ये 180 हैं, ठीक है, जहाँ पे 5 × 6 × 6 हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे एक बार, और इसमें 150 लिखा है बट इट इज़ 180, ठीक है। एक्चुअली ये पिक्चर थोड़ी पुरानी है इसलिए इसमें 150 है, बट मैंने जो नीचे स्लाइड्स में कुछ ऐड ऑन करे हैं आप उनको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर के जो सब यूनिट्स हैं बस उनको आपको नाम याद रखना है, एंड दैट इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।